करे इसकी चूंटियां खाई जा रही। ये देखिए माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आपका भाई भी एकदम ठीक है, खैरियत से। तो दोस्तों आज की वीडियो है जो व्लॉग है शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज जो हमारा वाइट डव है ना उसकी बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो रही है। कल की वीडियो में आपने देखा कि हमारी आंखों के सामने देखते देखते बेचारा मर गया। अभी मैंने दाना दूंगा डाला था डव को दूसरों को, लेकिन वो बेचारा नहीं था। कल हमारे साथ था लेकिन आज के दिन नहीं था। अल्लाह ताला उसकी मगफिरत फरमाए और दर्जात बुलंद करे। तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हम मेरा इरादा ये है ना हम वाइट लेकर आएंगे डब। अभी जो बच्चा है ना वो बड़ा हो जाए पता लग जाए कि ये मेल है कि फीमेल है। अगर मेल हुआ तो फीमेल ले आएंगे इसके लिए, अगर फीमेल हुई तो मेल ले आएंगे। दोस्तों इधर जो हमारा डब है ना, ये देखे दोस्तों हमारे तीनों जो डब है ना खाई जा रहे दाना दूर कर, लेकिन वाइट डब नहीं है, उसकी कमी महसूस हो रही है। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हम लेकर आएंगे इसके लिए। अगर फीमेल हुई तो मेल, अगर मेल हुआ तो फीमेल। अभी कोई पता नहीं, तकरीबन दो हफ्ते लग जाएंगे इसको बड़ा पेयर बनने में। तो जब ये बड़ा हो जाएगा तो इंशाल्लाह इसके लिए लेकर आएंगे। कर इसकी चूंटियां खाई जा रही। ये देखिए माशाल्लाह। तो दोस्तों इधर जो हमारा पायलट अभी तक अंदर है, इसको दाना दुनका डाल दिया। तो मेरा इरादा ये है कि इसको बाहर छोड़ देते हैं। ओए आ जा, कुछ नहीं कहते। तो भाई जब इसको बाहर छोड़ते हैं ना तो ये बहुत ज़्यादा घबराता है, डरता है, पता नहीं क्यों डरता है। बाकी इसको हम छोड़ देते हैं। चलो भी ऐश करो, अहमद पारा पड़ रहा है। दोस्तों इधर हमारा जो कलरफुल चिक्स है ना, इसमें ये जो छोटे वाला ये भी कल का काफ़ी ज़्यादा ढीला ढीला सा है। दुआ करें, बाकी मेडिसिन तो दी है, अल्लाह करे इसको कुछ ना हो। कल भी हमने बैड न्यूज़ दी, आज ना ही देनी पड़ी, ढीला ढीला सा है कल का ही। अभी तक तो यानी कि दी है मेडिसिन ठीक है, फिर भी शाम तक देखते हैं इसका क्या बनता है। और इधर हम माशाल्लाह से हमारा अहमद है जो सुपारा पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहे हैं अहमद, सुनाना। अहमद जो है ना अभी नूरानी सपारा पढ़ रहा है, यानी कि तकरीबन इसको दो से तीन हफ्ते ही हुए हैं। अभी इसकी अच्छी तरह से गिरफ्त नहीं हुई लफ्ज़ों पर, इंशाल्लाह कोई नहीं आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगी। जैसे होगी इंशाल्लाह आपको सुनाएंगे। इसकी जो रवानगी है अच्छी हो जाएगी ज़ुबान की। अभी बेचारा थोड़ा थोड़ा सा अटकता है, कोई बात नहीं इंशाल्लाह हो जाएगी इसकी रवानगी। एक आधा हफ्ता लगेगा क्योंकि बानी सपारा होता है ना जो, अगर वो बच्चा पाल ले तो उसके बाद इंशाल्लाह बाकी जो आगे ना कुरान पाक वो अच्छे तरीके से पाल लेता है। क्योंकि यही बेसिक स्टेप होते हैं जिसको अबूर करके इंसान कामयाबी की तरफ जाता है। इधर हमारा चंदू है जो सुस्त होकर बैठा था। हाँ रोटी खानी है इसको, ये है कि मुझे रोटी खिला दो, क्योंकि मैं इसको दो दिन हो गया मसलसल रोटी खिला रहा हूँ। तो अब इसको ये आदत हुई है कि मुझे रोटी खिलाने आता है। मैंने कहा ये टेम हो जाए मेरे हाथ से, खानी है रोटी। चले गए देखते हैं रोटी पड़ी हो तो इसको खिलाते हैं। लो जी टिफ़िन में है ही नहीं कुछ भी, कोई नहीं अभी कुछ भी नहीं है इसमें, ना छाबों में ना टिफ़िन में कुछ भी नहीं। और परात भी वैसे की वैसे ही पड़ी, अभी आटा भी नहीं गूँधा। तकरीबन 10 से 20 मिनट लग जाएंगे फिर आटा गूँधेंगे, फिर इसको हम डालेंगे। इधर हमारी जो राजा रानी है मेरे पीछे पड़ा हुआ, राजा क्या चाहिए, आजा क्या चाहिए। इसके मुंह से रोटी छीनी थी जो सूखी खा रहा था, इसको ये है कि मुझे वापस दे दो। मैंने छीन के ना आपको दिखाता हूँ कि सर ये देखिए, ये वाली रोटी ना जो हमारा राजा खा रहा था सूखी, जिसकी वजह से इसकी पेट जो तबीयत है, जो पेट भी ख़राब हो सकता है और तबीयत भी, तो इस वजह से मैंने उठा के इधर आदि, मैंने कहा इसका मुँह ही ना पहुँचे। इधर हमारा पायलट है जो सीढ़ी के ऊपर चढ़ गया, क्योंकि जो हमारा लाइन है ना, लाइन है इसको टिकने नहीं देता, कभी इधर भगाता कभी उधर भगाता, यानी कि तंग ही करता रहता। तो जिसकी वजह से ये बेचारा डर के ना इधर आके बैठ गया सुकून से मज़े से। और इधर हमारा जो सेंटीमेंटी है ये भी चारा खाए जा रहे हैं, चारा तो ख़त्म हो गया, अबू लेने गए, जैसे ही लेकर आएंगे तो इनको हम फ्रेश चारा भी डालेंगे। माशाल्लाह मस्तियाँ कर रहे हैं। दोस्तों जो बड़ी ईद है ना वो करीब आ रही है, तो सभी ने कुछ ना कुछ कुर्बानी के लिए लिया होगा, लेकिन हमने नहीं लिया। इसके पीछे क्या रीज़न है वो आपको मैं बताता हूँ। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि जो हमारे ढोलू बोलू है ना, जो बोलू है
उसको तो हमने यानी कि सेल कर दिया ऑलरेडी पहले, जो यानी कि जब पैदा हुआ था ना इसको बेच दिया था मेरे मामू लगते उसको। तो जो डोलू है ना इसकी कुर्बानी इंशाल्लाह हम बड़ी ईद पर देंगे। दुआ करें अल्लाह ताला हमारी जो कुर्बानी है वो कबूल करे। तो ये आपको सरप्राइज देना था कि कौन सा जानवर है जो हम कुर्बानी पर कुर्बान कर रहे हैं। तो ये देखें जो हमारा ढोलू है ना इसको इंशाल्लाह हम अपनी घर की कुर्बानी है उसके तौर पर कुर्बान करेंगे, और जो बोलू है उसको सेल कर देना, जो ढोलू है इसकी कुर्बानी करेंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह इसको जो हमने ना यानी कि वंडा वगैरह भी शुरू कर देना है एक आधे हफ्ते तक, तकरीबन ईद में एक मंथ कुछ दिन रह गए हैं, तकरीबन सवा एक महीना दो तीन दिन रह गए। तो इंशाल्लाह तकरीबन दो तीन दिनों के बाद ना इसको जो हमने वंडा वगैरह जो भी चीज़ें ना शुरू कर देनी है रोटी भिगो के, ताकि इसकी जो सेवा हो सकती है कुर्बानी से पहले कर दें, और इसकी भी थोड़ी बहुत कर रहे हैं जितनी हो रही। तो इसको जो कनक है ना हम भिगो के डाल रहे हैं फिलहाल, वंडा वगैरह अभी शुरू नहीं किया क्योंकि वंडा जो गर्म होता है तो इस वजह से अभी नहीं दे रहे। तकरीबन ईद के नज़दीक जब रह जाएंगे ना 15 से 20 दिन तो इसको वंडा है जो वो शुरू कर देंगे, अभी नहीं शुरू किया क्योंकि गर्म है तो गर्मी की वजह से ना ये हीट स्ट्रोक हो जाता है। अब तो शुक्र है अल्लाह का तकरीबन 2 से 3 दिन हो गए, बारिशें मुसलसल हो रही है, गर्मी काफ़ी कम हुई है। जैसे गर्मी कम होगी इंशाल्लाह इसको जो हमने वंडा है वो शुरू कर देना है, जिससे इसका गोश्त भी बढ़ेगा माशाल्लाह से, और ये सेहतमंद और तवाना होगा। और इसको भी थोड़ा थोड़ी यानी कि कनक ही डाल रहे हैं वंडा, इसको भी शुरू करें। और तेरे तुझे नहीं भूखी उसको, ओए उसको पीछे मुकर उसको। ये देखें हमारा जो लाइन है ना हमारे पायलट के पीछे लगा हुआ, ये देख उसको खाने नहीं देता कुछ भी, ये देख ये उड़ा दिया। मैंने दरवाज़ा बंद किया और बेचारा अंदर भी नहीं जा सकता उसके पीछे लग गया, तो दरवाज़ा खोल देते सबसे पहले ताकि ये अंदर चला जाए, बेचारा हमें बदवाई ना दे कहाँ फंसा दिया मुझे। ये देखे फिर से आए, चला जा अंदर चला जा, ये चला जा। तो दोस्तों इधर हमारे राजा रानी के काम देखे, पहले चंदू कम था जो अब ये भी आ गए, पहले चंदू चला जाता था हमारे रैबिट वाले केज में, अब ये दोनों राजा रानी अंदर गए हुए हैं। ये देखें अब बाहर आने का रास्ता ढूंढ रहे, ये देखें एक तो आ गया, आ जाओ आप भी जनाब जी, आ जाओ इधर आ जाओ, शैतानियाँ ना किया करो, आ जा आ जा आ जा, जा। ऐसे नहीं दुआएगा, आ जा चल ऐसे ही आएगा। हमारे रैबिट अंदर जाने से बैठे हुए, हमारे ये हमारा पायलट भी अब अंदर गया,